चलो जा रहे हो तैयारी। चलो ठीक है, ध्यान रखना। हाँ हाँ चलो अल्लाह हाफिज़। हाय गाइज, मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, आज सबा और सनी जो है मौदाहा के लिए वापस निकल गए हैं एंड अभी उनकी 4 बजे की ट्रेन है, फिलहाल कुछ 1 बज रहा है तो परफेक्ट टाइम पे पहुँच जाएंगे। और आज मैं भी जाऊँगी क्योंकि मुझे अपना हेयर स्पा कराना है मलिहा के पास, क्योंकि मलिहा भी छुट्टी के लिए जा रही है कुछ 20-25 दिनों के लिए। तो मैंने सोचा कि उससे पहले एक स्पा तो बनता है, तो मैं हेयर स्पा के लिए जाऊँगी। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, या डायरेक्ट घर आ जाएंगे, देखते हैं कितनी एनर्जी होती है, कितना मन करता है। फिलहाल मैं पीऊँगी अपनी चाय बिना शक्कर की और उसके बाद चलते हैं। ये रेडी हमारी गाड़ी और अंदर धर्म दादा, तो चलिए चलते हैं। और उसके बाद मैं गई, मैंने अच्छा सा हेयर स्पा करवाया, मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मलिहा ने मैंने बहुत सारी गप्पे मारी। और ये हो गया नेक्स्ट डे, शोएब का ऑफ था तो सुबह से हम लोग चिल कर रहे थे और अभी जनाब फाइनली जिम जाने की तैयारी कर रहे थे दिनों बाद। रमजान के बाद से जिम जा रहा हूँ। दिख रहा है आपकी तैयारी से और आपके हाव भाव से दिख रहा है कि आप बहुत दिनों बाद जिम जा रहे हो, वो अब तक बॉडी में बैठा नहीं है। शोएब की छुट्टी हो गई तो हम लोग ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये आई हैं मिलने और ये आज मेरे लिए अपना स्पेशल पालक सकौड़ा बना के लाई है। तो वो मैं अभी खाऊंगी और वो कैसा है वो आपको पता चलेगा आरती के ब्लॉग में, तो वो आप आरती के ब्लॉग में देखिएगा। और हम दोनों कैसे मिले, क्या हुआ, हम कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, एन ऑल एन ऑल एन ऑल, आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं तो वो सब भी आपको आरती के ब्लॉग में पता चलेगा। बेसिकली इट बी अ ब्लॉग अबाउट आर बॉन्ड एंड आर जर्नी, सो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। तो फिलहाल मैं फुल तैयारी में हूँ वो पालक सकौड़ा खाने की क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तो अभी आरती उसको गर्म करके लेके आएगी और फिर चलते हैं जिम, देखते हैं आज और क्या करें। सबसे पहले तो आज फाइनली मुझे, भले मैं आज एक बक्सा पैक करूं लेकिन पैकिंग ज़रूर स्टार्ट करनी है क्योंकि अब डिम्पल मेरे पीछे पड़ी हुई है कि दीपिका जी अब मुझे कब घर दे रहे हो, कब घर दे रहे हो। और अब अम्मी और भी शिफ्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं, सो आज से हम पैकिंग भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा पालक सकौड़ा जो मेरे लिए बना के लाई है आरती, ये कद्दू की सब्जी पूरियाँ, ये पूरा मील और मेरी स्पेशल फरमाइश रही थी ये पालक सकौड़ा। हो गया है नेक्स्ट डे एंड कल शाम में मैंने कुछ शूट नहीं किया कि सडनली मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लो हो गई थी तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ गई, तो आरती भी चली गई और मैं फिर सो गई बहुत अच्छे से। तो आज उठते ही नाश्ता वाश्ता किया, सब कुछ किया, मैं धर्म दादा को बोला दादा आज तो पैकिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये सबसे पहले हमने ये जो ट्रॉफीज़ वगैरह सब थी वो अच्छे से रैप करके रख दी हैं। अभी धीरे धीरे जो है हम लोग आज जितना हो सके उतना पैकिंग करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, अभी अंदर जो बुक्स का सेक्शन है वो सबसे पहले पैक करते हैं क्योंकि अब जितनी जल्दी पैकिंग करके हम लोग ये सेक्शन उन्हें देंगे उतनी जल्दी ही वो जो है अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कर पाएंगे, तो अभी लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो आज का टारगेट है पैकिंग। यस, फाइनली पैकिंग स्टार्ट। ये धर्म दादा कार्टन्स ले आए हैं, उसे बना रहे हैं और फिर हमने इसमें सामान भरना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले बुक शेल्फ्स हमने खाली किए, फिर जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ऊपर, जो थोड़े वार्म क्लोथ्स हैं जो फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे वो सब पैक किए। ये टेप धर्म दादा को बहुत परेशान कर रही थी और मैं बैठ के धर्म दादा की खिंचाई कर रही थी, उन्हें छेड़ रही थी। तो चलिए हो गई हमारी थोड़ी बहुत पैकिंग और अब टाइम टू एम्प्टी द लिविंग रूम। तो ये सोफ़ा जो है सबसे पहले हटाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कल से ही इंशाल्लाह जो डिमोलिशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब चलते हैं नीचे अम्मी के नए घर में। और ये एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ रखो। तो वो टेबल चाहो तो यहाँ भी आ सकता है। एक मिनट इनको जाने दो। हाँ, हो गया, टीवी चालू हो गया। हाँ। सही लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था? ये सही नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है।
तो यहाँ रिजा, सारा और रेहान के साथ मिलके मैं डिसाइड कर रही थी कि किस तरीके से लिविंग रूम की सेटिंग जो है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो फाइनल करें। तो ये फाइनली हम चारों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी तो फिर जब ये लोग रहेंगे तो इनको जो थोड़े बहुत ऑल्टरेशंस करने हैं अपने हिसाब से वो करते रहेंगे, बट अभी के लिए हम चारों वर सेटिस्फाइड कि हाँ इस तरीके से अच्छा लग रहा है। हॉल स्पेशियस भी लग रहा है और जो हमारा फर्नीचर है वो भी खूबसूरत लग रहा है। ये अभी रात में खाली हो जाएगा, ये पैक हो गया है सामान, ये नीचे जाना है। ये धर्म दादा आज बहुत थक गए हैं, ये हमारा सोफ़ा जा चुका है और मैं अभी कुछ खा के बैठी हूँ। और आज हमने काफ़ी कुछ सामान जो है वो नीचे शिफ्ट कर दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा कि आज अम्मी के घर में वो जो छोटे छोटे चीज़ें बची थी, जैसे लिविंग रूम सेटअप करना है, वो वॉल आर्ट लगवाना है, वो सब हो गया है। तो पापा आज रात को नीचे अम्मी के यहाँ चले जाएंगे। पापा की टीवी लग गई है, बेड बैग लग गया है, बेड शीट्स बिच गई हैं, सब हो गया है। और अभी मैं थक गई हूँ, अभी मैं सुबह बैठूंगी फिर खाना बनाऊंगी। चलिए आ गए हैं भैरव सिंह भैया अपना काम करने के लिए। ये लिविंग रूम के सारे लैंप्स और वो कर्टन रॉड सब कुछ उतार देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कल से यहाँ पे डिमोलिशिंग शुरू हो जाएगी। और मैं आ गई हूँ किचन में अपना खाना बनाने के लिए। यहाँ मैंने अच्छे से प्याज लाल कर लिए हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसमें डाल के भून रही हुई बनेगी लौकी की सब्ज़ी। ये बॉयल हो रही है मूँग की दाल, साबुत मूँग की दाल ग्रीन वाली। और इसको कुक करने के लिए, तड़के के लिए, ये देखिए यहाँ पे प्याज टमाटर सब रेडी है। और ये मेरे लिए ठंडा एक ग्लास पानी, ये एक बहुत मेजर चेंज है जो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुआ है, इज़ ठंडा पानी। मतलब लोग कहते हैं, मेरी मम्मी ने भी बोला था, अम्मी औरों ने भी बोला था कि पानी में से या मिल्क में से महक आने लगती है, मन नहीं करता है पीने का। मुझे ऐसी कोई महक नहीं आ रही, लेकिन मुझे ठंडा पानी लगता है। तो ये एक मेजर चीज़ है जो शिफ्ट हुई है मेरी प्रेगनेंसी में। और सेकंड है कि मुझे मतलब एसी के बिना मेरा नहीं चल रहा है। नहीं तो इट यूज़ टू ऑलवेज बी कि शोएब यूज़ टू बी द वन जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसी लगता था, एंड मैं हमेशा कंबल या शॉल लेके बैठी रहती थी। बट अब उल्टा हो गया है, शोएब एक पल बोलते हैं कि दिप्पी थोड़ा सा कम कर दूँ, और मैं बोलती हूँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो बेचारे वो डबल ट्रिपल कंबल लेते हैं। सो दिस इज़ वन चेंज विच इज़ हैपेंड। अब बिफोर माई अनियन बर्न्स मैं उसमें मसाले डाल लूँ। पापा नीचे जाने की तैयारी? और जब वापस आओगे तो कमरा पूरा अलग होगा। आओ चले नीचे, चलो रेडी। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लगेगा, चलो आ जाओ। जी आओ। लगेगा ना? आओ इधर, आओ इधर, दिक्कत नहीं लगेगा ही। ये रहा तकिया, नहीं है ना छोटी वाली, आओ वो मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं, मिल जाएगी। कैसा है, सब सही है ना रूम? एकदम ऊपर जैसा है वो। हाँ आराम से, आराम से बैठो। आ गया वो। अच्छा लग रहा है? रूम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा ऊपर जैसा है एकदम? बहुत अच्छा है ऊपर जैसा है एकदम, जैसे सेकंड फ्लोर में था। लेट जाओ आराम से। हल्का सा पैर में डाल, ठीक है ना? मतलब तकिया, दो तकिया रख लिया ना, ठीक है बराबर ही सही है ना? टीवी देखेंगे नहीं सही? नहीं वो छोटा वाला लाना पड़ेगा, छोटा वाला, क्योंकि आप इधर उधर ऐसा घूमते समय ऐसा करवाते रहते हैं ना उस टाइम में। टीवी ऑन कर दो। हाँ टीवी ऑन कर दो। सो पापा चले गए हैं नीचे,
सेटल हो रहे हैं, आई एम श्योर 2-3 दिन जाएंगे. और यहाँ बहुत अजीब खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि यू नो पापा होते हैं तो देव भैया और पापा की आवाज़ आती रहती है, टीवी चलती रहती है, तो मेरा मुझे थोड़ा से कोई है ऐसे मुझे अच्छा लगता था, अभी सडनली एकदम साइलेंस हो गया है. सो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्स आई थिंक 2 महीने की बात है, फिर पापा का रूम पूरा रेडी एकदम न्यू लुक के साथ जब इंशाल्लाह हो जाएगा तो पापा वापस आ जाएंगे. एंड यस, आज का दिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा, हालांकि बहुत सक्सेसफुल रहा, इसलिए मेरे फेस पे आपको थकान नहीं दिख रही होगी. अम्मी के घर के छोटे छोटे बहुत सारे काम कराने थे, फिर मैं क्या कहते हैं अपने घर का आज सारा ये लिविंग रूम पूरा खाली कर दिया है क्योंकि कल से जो बीच की दीवार है वो डिमोलिश होना शुरू हो जाएगी. मुझे पता नहीं वो 2 दिन जाएंगे या 1 ही दिन में होगी या क्या होगा, आई डोंट नो. और कल है संडे और अभी मुझे डिम्पल का फ़ोन आया है कि दीपिका जी कल हम लोग फैब्रिक्स देखने चल सकते हैं क्या. सो बेसिकली हमारा जो उस रूम का हमारे वाले सेक्शन रूम का जो कर्टन्स का फैब्रिक है एंड जो बेड का फैब्रिक है, जो बेड बैक का और वगैरह है, वो सब फाइनल करना है बिकॉज अब हमें जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट करना है सो दैट दे कैन गेट इन टू दिस रूम ऑल्सो. सो खाना वाना खा लिया है मैंने और अभी वेट कर रही हूँ शोएब का क्योंकि शोएब शूट के बाद गए हैं जिम, उसके बाद आएंगे घर. तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, शोएब ने घर नहीं देखा है, घर देखेंगे, पापा से मिलेंगे, फिर ऊपर आएंगे और कल फिर निकलेंगे और हम चलेंगे अपने फैब्रिक्स की यानी कि कर्टन्स अपहोल्स्ट्री वगैरह की शॉपिंग करने. सो चलिए कल मिलते हैं. नेक्स्ट डे और पहुंच गए हम लोग फर्निशिंग की इस शॉप पे और ये धर्म दादा एकदम बढ़िया सा शॉट लेने की कोशिश करते हुए, और कोशिश उनकी बिल्कुल सफल रही, बहुत ही अमेजिंग उन्होंने पूरे शॉप का एंट्री शॉट वगैरह लिया और मुझे बोल के गए थे कि मैम मैं अच्छा सा एक शॉट लेके आता हूँ. और ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं मैं और डिम्पल और हमने ऑलरेडी जो है अपनी सिलेक्शंस स्टार्ट कर दी हैं. ओके Hi guys, we are back together. आज है संडे और संडे के दिन इसने कोई दुकान ढूंढ ली है डिम्पल ने क्योंकि हमारा काम करना बहुत ज़रूरी था और मुझे सुबह जल्दी उठाया आज और जल्दी बुलाया. नहीं 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 काम तो अपना ही है, सभी तेज़ी से सब कुछ हो रहा है. तो आज हम फैब्रिक्स की शॉप पे आए हैं और ऑलरेडी इसने हर बार की तरह अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं. तो आज हमें ये बहुत सुंदर है वाला, हाँ. जा भी रहा है उसके बाद आपसे मिलते हैं. वो ना इट्स लुकिंग लाइवली. आप ना मैट्रेसेस और पिलो कवर्स पे थोड़े ब्लूज के टीम रख सकते हो, अच्छी लग रही है. मैं आपको एक डेमो दिखा दूंगी टाइम के टाइम पे. सो डिम्पल का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अपने चीज़ों को लेके इतनी श्योर होती है, अपने विजन को लेके, कि अगर मैं किसी चीज़ को लेके कन्विंस नहीं हूँ तो वो मुझे बहुत खूबसूरती से चीज़ें एक्सप्लेन करती है, डेमोज दिखाती है, विजुअल एग्जांपल्स देती है, एंड देन शी कन्विंसेस मी कि ओके एंड वी कम टुगेदर ऑन द सेम पेज. बहुत ही प्यारी शॉप थी जहाँ डिम्पल लेके आई थी. एक बात तो है डिम्पल की कि वो जहाँ भी लेके जाती है फॉर सिलेक्शन, चाहे वो फैब्रिक हो, लाइट्स हो, जो भी हम लोग गए हैं, वहाँ वैरायटी बहुत अच्छी होती है, किसी चीज़ में आपको निराश नहीं होना पड़ता एंड ऑप्शंस कम नहीं पड़ते आपके पास. तो यहाँ पे भी आज जो हम आए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड वास्ट वैरायटी है फॉर कर्टन्स एंड अपहोल्स्ट्री. और ये देखिए हम दोनों अब भी सिलेक्ट करने में ही लगे हुए हैं और कितने फुल मतलब कंसंट्रेशन के साथ, ऑब्वियसली काम ही ऐसा है नहीं, क्या कहते हैं आप, देख लेंगे वो बैंड ही है, वो स्टिच ही हो जाएगा, लेकिन आपके मेन से हम लोग ये रखते हैं अच्छा लगेगा और जो गोल्ड के एलिमेंट्स हैं उसके साथ भी चला रहा है. And it's all looking the same family. Ji. And you can imagine it with the flooring. Yeah. Bahut acha. और यहाँ जैसे जैसे चीज़ें फाइनल हो रही हैं डिम्पल अपने रिकॉर्ड के लिए फ़ोटो ले रही है और मैं देखिए फ़ोटो लेके शोएब को भेज रही हूँ बिकॉज शोएब बिजी हैं शूट पे, इसलिए वो आ नहीं पाए तो, और ये करना भी ज़रूरी है तो मैं उन्हें फ़ोटोग्राफ्स भेजती जा रही हूँ.
उससे कुछ चेंज होने वाला ये वो वाला 102 लगाइएगा। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी आई मीन टू दिस व्हाटएवर द नंबर अच्छा ठीक है फिर छोड़ दो छोड़ दो सॉरी सॉरी माय बैड सो पिछले दो बार से ऐसा हो रहा है कि सिलेक्शन के वक्त मैं किसी ऐसी चीज़ पे हाथ रख देती हूँ जिसका अरेंजमेंट जो है वो हुआ नहीं है एंड वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं बेचारी डिम्पल को एक चैलेंज एडिशनल दे देती हूँ, जैसे अभी भी जो कर्टन रॉड है मैं बोला हाँ अगर रिमोट वाला हो सकता है तो करा दो, और जो वायरिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन तब भी वो बेचारी शी इमीडिएटली कॉल्ड द इलेक्ट्रिशियन एंड अभी देखो लगता है या नहीं लगता है, अगर लग जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आ गई हूँ मैं घर, कर लिया हमने सारा सिलेक्शन। फिलहाल हमने सिर्फ जो हमारे जो रूम रेडी हो रहा है जिसमें हमें शिफ्ट करना है उसी एरिया का सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वहाँ के कर्टन्स हो गए हैं, बेड बैक का फैब्रिक एंड इवन बेड का फैब्रिक, क्योंकि हमारा इस बार अपहोल्स्ट्री का बेड ही बन रहा है, यानी कपड़े का ही फिनिशिंग होगा। सो बहुत अच्छा था, बहुत आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट वी फाइनलाइज्ड एंड व्हाट द कलर कोड इज़ गोइंग टू लुक लाइक। और एक वो बेचारी डिम्पल पे मैं एडिशनल प्रेशर छोड़ के आ गई हूँ कि अगर हो सकता है तो मुझे रिमोट वाला दे दो। यू नो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि रिमोट दबाओ तो वो खुल जाए, फिर शेयर बंद रहे, फिर रिमोट दबाओ तो शेयर खुल जाए, वो बंद रहे। सो कोशिश करते हैं, देखते हैं। हालांकि मैंने इसको बोला है कि ज़्यादा बर्डन मत लेना, अगर इजीली होता है तो ठीक है, वरना सिर्फ लिविंग रूम में दे देना, जो विच इज़ डन इज़ डन। आते ही थोड़ी देर के लिए सो गई एंड मैं उठी तो मैंने कुछ देखा जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये व्लॉग मैं यहाँ ख़त्म कर देती हूँ। पता नहीं कितने दिनों से ये व्लॉग चल रहा है। सो फाइनली आज मैं ये व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ और मैं इमीडिएटली दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बताऊंगी मैं आपको। ओके सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे फेस की एक्साइटमेंट देख के आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। देखो मेरा फ़ोन भी बैक टू बैक बज रहा है मेरे फेस की एक्साइटमेंट देख के आप समझ जाओ कि क्या है, गेस करो। सो यस, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले काफ़ी दिनों से ये ब्लॉग चल रहा था, छुटपुट करके जो भी मैं कर पाई, क्योंकि अभी कभी शूट कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थक जाती हूँ, कभी इतना सारा काम भी है साथ में, तो कभी मौका मिलता है कभी नहीं मिल पाता है। पर कोशिश यही रहती है कि शूट थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कर पाऊँ, ताकि जब भी आए ब्लॉग तो आपको एक पिछले दिनों क्या हुआ उसका पूरा एक साथ समरी मिले। सो यही था व्लॉग, और बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। लव यू ऑल, साथ बने रहिए।